सिग्मा सीएनजी फ्रॉम पुणे कंप्लीट गेस द मॉडल। यस दोस्तों, ये सिग्मा कार है। इसका प्रूफ देने के लिए हमने इंडिकेटर्स ऐसे ही रखे हुए, चाहे रियर वाइपर बोलो, चाहे फ्रंट की ग्रिल बोलो, चाहे हाइट एडजस्टेबल सीट बोलो, और साथ ही में सोने पे सुहागा बॉडी मैचिंग कलर के डोर हैंडल्स। हमने कोई क्रोमियम हैंडल्स नहीं लगाए हैं। कंप्लीट बेस टू टॉप अगर आप लोग को करना है तो आज का वीडियो आपके लिए भी है। काफी मॉडिफिकेशंस आपने पहले भी देखे हैं मेरे, और काफी आगे भी देखेंगे, बट ना आज तक मैंने ऐसी कार बनाई है, ना आज तक आपने कभी ऐसी कार देखी है। तो एंड तक जरूर बने रहना। हर एक चीज हमने इसमें वन ऑफ द बेस्ट लगाई है। ऐसा नहीं कि करने के लिए कई बजट कम लगा है, कई बजट अच्छा लगा है, वैसा बिल्कुल नहीं है। हर एक चीज इस कार में बेस्ट है। अगर आप बेस मॉडल लेने का सोच रहे हो तो कुछ इस तरीके से मॉडिफिकेशन करा सकते हो। इंट्रोड्यूसिंग फॉर द फर्स्ट टाइम द बर्न्ड ऑरेंज इंटीरियर कंसेप्ट। एक 10 सेकेंड आप एडमायर कीजिए किस तरीके से एक कंसेप्ट किया हुआ है आप लोग के सामने है। वंस अगेन कहना चाहूंगा, खुद पे खर्चा। यस दोस्तों, स्टार्टिंग विद द साइड डोर रैप्स। साइड डोर्स में हमने पार्ट ए को रैप किया हुआ है, पार्ट बी हैज बीन रैप एंड पार्ट सी को भी रैप किया है। पार्ट ए जो हमने रैप किया हुआ है, दैट इज विद द ब्लैक स्टिचिंग के साथ, जैसे एक टॉप मॉडल में स्टिच आता है वही कंसेप्ट में किया है। पार्ट बी को प्लेन रखा हुआ है, पार्ट सी को हमने रैप किया हुआ है। साथ ही में स्टाइलिंग किट हमने पियानो ब्लैक, जैसे टॉप मॉडल का कंसेप्ट आता है, एक एक खाली दरवाजे की कलाकारी आप चेकआउट कर सकते हो। इनर हैंडल्स भी हमने क्रोमियम वाले लगाए। हमने बिल्कुल इस कार में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। डैशबोर्ड रैपिंग भी किया है विद द एसी वेंट्स के साथ। जो स्टेयरिंग है वो भी हमने टॉप मॉडल का पियानो फिनिश वाला लगाया है, कोई भी सिल्वर फिनिश वाला नहीं लगाया हुआ है। साथ ही में इस कार में जो डैशबोर्ड रैपिंग की है उसका भी आप एक लुक चेकआउट कर सकते हो। एक एक डोर रैप्स, साथ ही में जो सीट कवर्स लगाए, द अल्ट्रा कंफर्ट विद द 5 इयर्स वारंटी के साथ, विद द जेन्युइन आर्मरेस के साथ, एक एक स्टीयरिंग का लुक, पियानो ब्लैक स्टाइलिंग किट का लुक आप लोग के सामने है। हाइट एडजस्टेबल सीट भी हमने इसमें लगाई है। एक अपर करने का आप वर्जन चेकआउट कर सकते हो किस तरीके से है, लोअर करने का भी आप चेकआउट कर सकते हो प्रॉपरली आप किस तरीके से एक हाइट एडजस्टेबल सीट कर सकते हो। एक ही चीज कहना चाहूंगा वापस से आप लोग के सामने, ये खुद पे खर्चा है, ये चीज जरूर लगाइए, ये आपकी नेसेसिटी है। एक बार अलॉयज नहीं लगाओगे चलेगा, बट ये हाइट एडजस्टेबल सीट हो गया, रियर एसी एक्टिवेशन हो गया। कितनी बार क्लाइंट्स आते कहते बजट नहीं है, मुझे रियर एसी एक्टिवेट मत करके दीजिए, मुझे हाइट एडजस्टेबल सीट मत लगा के दीजिए, बट अलॉयज लगा के दे दीजिए। आप अलॉयज पे खर्चा कर रहे हो, आपकी कार का लुक जरूर आएगा, बट जो आपकी जरूरत की चीज है दैट इज योर हाइट एडजस्टेबल सीट। जब गर्मी में आपको रियर एसी की जरूरत पड़ेगी तब क्या करोगे? तो हमेशा यही सजेशन दूंगा, पहले खुद की प्रायोरिटी रखो, बाद में एक्सटीरियर की प्रायोरिटी रखो। एक्सटीरियर में भी कुछ करना चाहते हो, सबसे जरूरत की चीज वो है आपका रियर वाइपर। जो बारिश के 3 मंथ्स होते हैं काफी दिक्कत होती है, फॉग जम जाता है, तो आपको प्रॉपरली डीफॉगर तो बेस मॉडल में दिया हुआ है। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट जो कंपनी ने एक आप लोग के लिए काफी अच्छी चीज दी है, दैट इज योर डीफॉगर, बट वाइपर नहीं दिया है। ये वाइपर हमने लगाया है बट वाटर के फिटमेंट के साथ है। एक वाटर का भी आपको लुक दिखाना चाहूंगा किस तरीके से प्रॉपरली विद द वॉशर के ऑप्शन के साथ है। साथ ही में आप वाइपर को कहीं भी स्टॉप करोगे वो अपना एंटायर पूरा साइकिल कंप्लीट करके ही ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा। टेल लैम्प बाकी चैनल्स पे भी देख रहे हो, अलॉयज बाकी चैनल्स पे भी देख रहे हो, बट आज मैं आप लोग के सामने जो मॉडिफिकेशन लेके आया हूँ वो समथिंग यूनिक है, समथिंग डिफरेंट है, जो आपको बाकी के चैनल्स पे नहीं दिखेगी। इसके लिए आज आप लोग के सामने वंस अगेन आप लोग को कहना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये चीजों पे स्पेंड कीजिए। अलॉयज जरूर लगाइए, लुक वाइज वन ऑफ द बेस्ट, बट ये जो नेसेसिटी है उसको मत छोड़िए। इसी के साथ हमने जो सीएनजी की ट्रे लगाई है, दैट इज अ नेसेसिटी। पार्सल ट्रेस के कंसेप्ट में मत जाइए, सीएनजी ट्रे इंस्टॉल कीजिए, बिकॉज आप काफी सामान वगैरह रख सकते हो, उसी के कंसेप्ट के साथ हमने किया है। रियर के रिफ्लेक्टर लाइट्स में सजेस्ट नहीं करता हूं, 3-4 मंथ्स में चाइना प्रोडक्ट आती है, 3-4 मंथ्स में बंद हो जाती है। मैं सजेशन देना बंद कर दिया हूं, रिफ्लेक्टर लाइट्स आप आज के बाद मेरे कोई भी वीडियोस में नहीं देखोगे, क्योंकि मुझे खुद दिक्कत आ रही है। मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि मेरा क्लाइंट प्रॉब्लम में आवे, क्योंकि मॉडिफिकेशन न्यू कार पे हम रोज बताएंगे, बट आफ्टर द मॉडिफिकेशन जो रीजंस के कारण जो तकलीफें आती है वो कोई नहीं बताता है। स्टार्टिंग विद द ORVMs, जो हमने टॉप मॉडल के ORVMs लगाए हमने इस कार में, विद द लॉक एंड अनलॉक ऑप्शन के साथ, बॉडी मैचिंग कलर, उसका भी एक लुक चेकआउट कर सकते हो, प्रॉपरली इंटीग्रेट किया हुआ है। यही अगर डेल्टा मॉडल लेते हो,
90,000 रुपीज का डिफरेंस आता है। 90,000 में तीन चीजें दी जाती है, एक तो आपका ORVM जो लॉक एंड अनलॉक पे वर्क नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ अंदर से वर्क करता है। स्टेयरिंग दे देते हैं 90,000 में बट वो रैप होके नहीं आता है। प्लेयर लगा के दे देते हैं बट दैट इज नॉट एंड्रॉइड। एंड्रॉइड और तो एप्पल कार प्ले जरूर है बट आप हॉटस्पॉट देके यूट्यूब वगैरह बिल्कुल नहीं देख सकते हो, और कोई कोई में वायरलेस चलता है, कोई कोई फोन वायर्ड चलते हैं, तो वो दिक्कत आती है। ना ही आपको रिवर्स कैमरा लगा के देते, खाली चार स्पीकर्स लगा के दे देते। तो अगर सिग्मा डेल्टा में कन्फ्यूज हो तो सिग्मा लीजिए। मैं कभी ये नहीं बोलूंगा कि अगर आप अल्फा लेने का सोच रहे हो तो मैं आपको अल्फा के फीचर्स दे दूँ। अल्फा के फीचर्स मैं आपको सब चीज़ें नहीं दे सकता हूँ। अगर अल्फा लगाना अल्फा का सोच रहे हो और सिग्मा पे कन्वर्ट हो रहे हो मत होना, क्योंकि जो इंजन अल्फा में आ रहा है वो मैं आपको कभी प्रोवाइड नहीं कर सकता। जो स्टार्ट स्टॉप बटन आ रहा है मैं कभी प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो एक ही सजेशन दूंगा, अगर सिग्मा डेल्टा में कन्फ्यूज हो तो सिग्मा मॉडल लीजिए, आपका काफ़ी पैसा बच जाएगा। बॉडी कलर हैंडल्स भी आज हमने किए हुए हैं। DRLs जो हमने लगाई है टॉप मॉडल की, ग्रैंड विटारा स्टाइल, वंस अगेन उसका लुक चेकआउट कर सकते हो। साथ ही में हेडलैम्प के बल्ब्स अपग्रेड किए, एक एक DRLs का आप इंडिकेटर मोड देख सकते हो। एक डेविल लुक जो रात में आता है वो आपकी कार की फ्रंट की आनबान शान है। साथ ही में जो फ्रंट की पियानो ब्लैक ग्रिल है हमने उसको भी रिप्लेस की हुई है। एक एक आज मेरा मॉडिफिकेशन देखिए, एक एक हर एक जगह, फ्रंट ओवे, साइड ओवे, रियर ओवे, हर एक जगह मैंने एक यूनिकनेस किया है। ऐसा यूनिकनेस कि कोई पहचान नहीं पाएगा एक्सेप्ट योर हेडलैम्प। कोई ये चीज नहीं बोल पाएगा ये सिग्मा मॉडल है। हेडलैम्प मैं जानबूझकर चेंज नहीं करता हूं क्योंकि ट्रायो में फोकस बिल्कुल नहीं है। मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि मेरा क्लाइंट प्रॉब्लम में हो, इसके लिए मैं ट्रायो हेडलैम्प आपके कहने पे भी नहीं लगा के दूंगा क्योंकि उसमें फोकस क्लैरिटी ही नहीं है। लुक के लिए चाहिए वन ऑफ द बेस्ट, वैसा लुक आपको कोई हेडलैम्प नहीं दे सकता है। बट ये जो प्रोजेक्टर्स आते हैं इसमें अगर आप बल्ब्स अपग्रेड करते हो तो ये जरूरत की चीज़ है। इस पर खर्चा कीजिए, इस पर स्पेंडिंग कीजिए। जो DRLs है काफ़ी एक्सपेंसिव है बट उसका लुक का चार्ज है। ये जो चीज़ है ये आपको फोकस क्लैरिटी का पैसा है, तो पहले इस पर खर्चा कीजिए, बाकी बात पर खर्चा कीजिए। ऑनक्यो XQD 1120 हमने इस कार में इंस्टॉल किया हुआ है। लाइसेंस सर्टिफाइड एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो विद 2 ईयर्स ईमेल रजिस्टर्ड वारंटी। लाइसेंस्ड एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो का मतलब ये होता है कि Z-Link T-Link के थ्रू आपका एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो वर्क नहीं कर रहा है। ये जो Z-Link T-Link करके सॉफ्टवेयर है ये सब थर्ड पार्टी है। ये लाइसेंस का मतलब ये है कि ऑनक्यो ने डायरेक्टली परचेज किया हुआ है सर्टिफिकेशन ऑफ एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले। तो वही सजेशन देना चाहूंगा, जो कनेक्टिव इश्यूज आते हैं आपको, कनेक्टिविटी के जो इश्यूज आते हैं एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो में, जो लैगिंग्स आती है कनेक्टिविटी में, वो बिल्कुल नहीं आएगी। इसके लिए ये ब्लॉपोंग के टक्कर की चीज है। एंड सेकेंडली जो आउटपुट है ब्लॉपोंग और इसका सेम है। आउटपुट का मतलब ये होता है अगर आप प्लेयर अच्छे से अच्छा नहीं लगाते हो, अब कंपोनेंट स्पीकर कितना भी अच्छा लगा लीजिए आपको प्लेयर से आउटपुट नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको अलग से एम्पलीफायर लगाना पड़ेगा। ये हाई एंड आउटपुट के साथ आता है, इन बिल्ट DSP के साथ आता है, 36 बैंड इक्वलाइजर के साथ है। लाउडनेस बायस वगैरह आप कस्टमाइज कर सकते हो, अपने हिसाब से रख सकते हो। अगर आप लोकल चाइना के प्लेयर्स लेते हो उसमें क्या इशू आता है, आपको अलग से एम्पलीफायर का ऑफ स्पेंडिंग करना पड़ता है ताकि आपका प्लेयर से भी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस है वो और ओवर चले जाते हैं। तो सजेशन यही देना चाहूंगा, प्लेयर अच्छा लगाइए, एम्पलीफायर की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस कार में जो हमने कोएक्सियल्स लगाए हैं, मॉडल के डायरेक्ट फिट लगाए हुए, प्लग एंड प्ले, नो नीड ऑफ एनी सॉकेट, नो नीड ऑफ एनी स्पीकर रिंग। साथ ही में मॉडल की डैम्पिंग की हुई है इनर आउटर बोथ। रिवर्स कैमरा जो हमने इस कार में लगाए मूविंग गाइडलाइंस के साथ, AHD कैमरा लगाए, एंड्रॉइड हाई डेफिनेशन, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट। वंस अगेन कहना चाहूंगा, प्लेयर अच्छे से अच्छा, ब्लॉपोंग लीजिए, ब्लॉपोंग इज वन ऑफ द बेस्ट, इससे अच्छी चीज है ब्लॉपोंग। ऑनक्यो इज ऑल्सो अ ब्रांड जो कि आपको ईमेल रजिस्टर्ड वारंटी दे रहा है। नॉर्मल शॉपकीपर्स क्या करते हैं, आपको स्टैम्प मार के दे देते हैं अपने वारंटी कार्ड पे, कल कुछ भी इशू आता है तो सर्विस उनके पास मिलती है। ब्रांड कभी ऐसा नहीं करेगा, ईमेल रजिस्टर्ड वारंटी सिर्फ और सिर्फ ब्रांड दे सकता है। आप एप्पल का आईफोन लीजिए या सैमसंग का मोबाइल लीजिए, ऑल ओवर इंडिया सर्विस सेंटर्स है, आप कहीं से भी परचेज कीजिए, आपको ये कोई नहीं पूछता है कि आपने कहाँ से परचेज किया, आपका डीलर कौन है, वारंटी वो ब्रांड आपको देती है। तो यही चीज कहना चाहूंगा, ब्रांड इज ब्रांड, आप लोकल चाइना के कोई भी कम्पीट कर लीजिए, इसका कोई टक्कर नहीं है। ये इंफॉर्मेटिव वीडियो किस तरीके से लगा कमेंट करके जरूर बताना। बहुत दिल से आप लोग ने प्यार दिया हुआ है फ्रॉन्ग्स को लेके, ऑल ओवर मुंबई, ऑल ओवर इंडिया से आप लोग का प्यार है। स्पेसिफिकली पुणे वालों को मैं थैंक यू करना चाहूंगा, जितने मेरे मुंबई की कार्स नहीं है उससे ज्यादा MH12 MH14 पे मेरे वीडियोस है।
थैंक यू वंस अगेन। मेरी शॉप लोकेटेड है वाशी नवी मुंबई सेक्टर 17 नेक्स्ट टू गोल्डन पंजाब होटल। मेरा वर्कशॉप शोरूम सांतपाड़ा में लोकेटेड है। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो प्रॉपर पैकेज के लिए, साथ ही में प्राइस लिस्ट के लिए आप मुझे व्हाट्सएप डाल सकते हो। ये वीडियो, ये कंसेप्ट किस तरीके से लगा कमेंट करके जरूर बताना। वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया अदा हूँ आप सभी का। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।